हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ना बहुत ही खास रेमेडी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके हाथों पर कालापन आ चुका है या फिर आपके हाथ का कलर सांवला है, तो फ्रेंड्स आप अपनी स्किन को किस तरह से साफ रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर रंग बहुत ज़्यादा काला है तो वो एकदम गोरा चिट्टा हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपकी स्किन का रंग सांवला है तब भी आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उसकी आपकी जो स्किन है उसका कलर बरकरार रहे और आपकी स्किन का कलर थोड़ा थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो आप घर में रेमेडी इस्तेमाल करते हैं घरेलू नुस्खे, आपकी स्किन पर फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ये नहीं होता कि आपकी स्किन बिल्कुल काले से गोरी चिट्टी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ में जो शेयर कर रही हूँ उससे आपकी स्किन का कलर साफ होगा। तो फ्रेंड्स, इस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं सोडा, यानी कि हमने ये खाने का सोडा लिया है, आप किसी भी दुकान से आसानी से ले सकते हैं। ये बहुत ही कम पैसों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएगा, 5 से 10 रुपए के अंदर आपको ये काफ़ी सारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 1 टेबल स्पून यानी कि 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ये खाने का सोडा ले लिया है। आपको बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, ये दो सोडे अलग अलग होते हैं। बेकिंग पाउडर वो होता है जिसको केक और पेस्ट्री में डाला जाता है। खाने का सोडा आप अपने आटा गूंदते टाइम जो इस्तेमाल करते हैं आप वो लीजिए, आपको बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। फ्रेंड्स, ये इतनी इफेक्टिव रेमेडी है कि अगर आपकी थाइस पर कालापन आ चुका है, आपके प्राइवेट पार्ट पर भी कालापन आ चुका है, तो फ्रेंड्स उसको भी ये बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देगा। एक बार में तो नहीं, एक बार में तो कम होगा, लेकिन फ्रेंड्स 2 से 3 बार के इस्तेमाल से आपका जो कालापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर फ्रेंड्स ऐड करेंगे लेमन। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, जो हमारी स्किन से गंदगी को दूर करता है, मैल को काट। तो हम यहाँ पर इसमें हाफ लेमन ऐड कर देंगे। तो इसके बाद में जो हम हाफ लेमन इसमें ऐड करेंगे, उस लेमन के छिलके को भी हमने नहीं फेंकना है। ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसके बीज को हम इस तरह से हल्का सा दबाते हुए साइड कर देते हैं और ये जो हमने लेमन लिया है इसके अंदर ऐड कर देते हैं, पूरा इसके अंदर निचोड़ देते हैं। तो फ्रेंड, जब आप देखेंगे तो इसमें पास से देखिए, इसमें झाग बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो हमें इस दौरान इस्तेमाल नहीं करना है जब इसमें झाग बने। और इसके बाद में हम इस छिलके को यहीं साइड में रखते हैं, आपको दिखाएंगे क्या इस्तेमाल करना है। इसके अंदर हम लेते हैं 1 टेबल स्पून दूध, हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो बस फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर इस तरह से एक पेस्ट तैयार हो चुका है, एक लिक्विड बेस हमारा ये एक तैयार हो चुका है। इसको हम अभी साइड करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी इसके अंदर झाग वगैरह बने हैं उनको ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल। इसको थोड़ा सा सिंपल हमने फॉर्म में लेना है तो इसको साइड कर देते हैं। इतना आपने क्या करना है कि आपका जो ये लेमन है आपने स्किन के किसी पार्ट से कालापन हटाना है, आपके प्राइवेट पार्ट पर हो, आपके हाथ पर हो, आपकी कोहनियों पर हो, आपके गट्टों पर हो और या फिर आपके घुटनों पर हो। तो फ्रेंड्स, कहीं का भी आपको हटाना हो आपने इस लेमन के छिलके को इस तरह से बाहर कर देना है। ये आप देख सकते हैं सारी स्किन इसकी इस तरह से बाहर कर देनी है आपने। और फ्रेंड्स, आपने इसको अपने हाथ पर इस तरह से अच्छे से रगड़ना है, 5 मिनट तक तो आपने रगड़ना है, 5 से 7 मिनट तक आपने इसको रगड़ना है। आपकी उंगलियों पर जो ये निशान होते हैं थोड़े से इस साइड इन पर, तो ये लाइट हो जाएंगे काफ़ी हद तक इससे। तो आपको इस तरह से इससे 5 से 10 मिनट तक रगड़ना है। आपके नाखूनों में जो इस साइड गंदगी होती है, थोड़ी थोड़ी जो कालापन होता है वो सारा निकल जाएगा। आपने नाखूनों पर भी फेरना है, आपके नाखून भी चमकदार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको पहले रब कर देना है क्योंकि इसके अंदर ही अभी काफ़ी रस है। आप तो निचोड़ कर इसको फेंक देते हैं लेकिन फ्रेंड्स इसको फेंकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप इसको रब कर लेंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको रब कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं अभी कितना ज़्यादा फेयर हो चुका है मेरा इसी बस लेमन से ही। जब आप इसको लगाएंगे तो फ्रेंड्स क्या कमाल करेगा ये। तो फ्रेंड्स, हमने अभी लेना है, आप देख सकते हैं कि अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वाटर अलग हो गया है, इसका लेमन जूस अलग और फ्रेंड्स नीचे इसमें सोडा ये देखिए इस तरह से बैठ चुका है। तो आपने थोड़ा सा फिंगर से इस तरह से इसको पहले मिक्स कर लेना है एक बार लगाने से पहले। तो इस तरह से आपने इसको अपनी स्किन पर लगाना है। तो मैं इसके रिजल्ट्स आपके बिल्कुल आपको इसको साथ के साथ ही इसके रिजल्ट्स भी आपके साथ में आप शेयर करूँगी। तो इस तरह से इसको लगा लीजिए और उसके बाद में आप इसको 5 मिनट तक इसी तरह से रहने दीजिए। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतने इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स होते हैं कि आप देखकर भी हैरान रह जाएंगे
ये देखिए इस तरह से अब ये पूरा लग चुका है। आपको थोड़ा सा इस तरह से महसूस होगा जिस तरह से कि आप पानी के अंदर इनो डालते हैं, थोड़े से बुलबुले उठते हैं, इसी तरह से ये आपको हाथ पे लगाने के बाद भी थोड़े से इसमें आपको झाग महसूस होंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा आपकी स्किन पर। इसी तरह से आपने 5 मिनट तक छोड़ देना है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद में आपने अपने हाथ को वॉश करना है। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इससे मेरे हाथ पर कितना फ़र्क पड़ा है। मैं इसको धोकर लाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फेयर अब मेरी स्किन हो चुकी है, कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है। आप इस हाथ को देखिए और इसको देखिए, खुद ही देखिए किस तरह से फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ ये हाथ कितना बेहतरीन हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है और ये मैंने इसलिए शेयर करी है ताकि आप भी इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मेरी स्किन पर निखार आया है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेमेडी जो मैंने आज आपके साथ में शेयर करी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह से फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय।